हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रश्मीज। मैं हूँ विभा और आज हम लोग बना रहे हैं चीज बॉल्स। तो मम्मा, यू रेडी? यस। तो मम्मा तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। आइए चीज बॉल्स बनाना सीखते हैं। ये मेरे पास उपमा था बचा हुआ, तो मैं आज उपमा से चीज बॉल बनाऊंगी। मैंने उपमा लिया है, एक पोटैटो लिया है, ये बॉइल्ड पोटैटो है, ब्रेड क्रम्स लिया है और ये मैंने मूढ़ी को पीस लिया था मिक्सर में। मिर्ची ली है, नमक लिया है, चीज़ लिया है, चीज़ को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था, छोटे क्यूब्स में, और ये लिया है मैंने नारियल की चटनी, और ये पीनट को भी मैंने थोड़ा सा ग्राउंड कर लिया है। तो गाइस, हम लोग को ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए टेस्टी टेस्टी चीज़ बॉल्स बनाने के लिए। ये मैंने मैदा लिया है, 1.5 टेबल स्पून के करीब है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसका हम एक पेस्ट बनाना है हमको। तो गाइस, हम लोग को मैदा में ऐसे पानी डालकर पेस्ट बनाना है। तो ये लाइव वीडियो है, हम लोग लाइव बता रहे हैं कि लेफ्ट ओवर चीजों से चीज बॉल्स कैसे बनाते हैं। एक बोल में मैं उपमा डाल रही हूं, इसी में हम डाल देंगे आलू, इसी में डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सॉल्ट, इसमें मैं डालूंगी कोकोनट चटनी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पीनट, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अगर घर पर उपमा बच जाए तो इससे ये चीज बॉल्स बना लीजिए। आप मिर्ची नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एक प्लेट में हम डालेंगे मूढ़ी का पाउडर। एक्चुअली मूढ़ी को मैंने मिक्सर में पीस लिया था तो थोड़ा मोटा ही है, पूरा पाउडर नहीं किया है इसको। और ब्रेड क्रम्स, ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाएं। इसमें एक पीस चीज का रखेंगे और इसका बॉल बना लेंगे। तो गाइस, हम लोग को हमारा थोड़ा सा डो लेना है, उसे थोड़ा सा फ्लैटन करना है, उसके बीच में चीज डाला और ऐसे रोल कर लिया, स्पेस में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर दिया। अब मूढ़ी में कोट कर देंगे। तो गाइस, ये इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी है, तो इसे आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट से बताइएगा कि कैसी बनी। देखिए, डो को फ्लैटन किया, बीच में चीज डाला,
मैदे के पेस्ट में रोल किया, ब्रेड क्रम्स से कोट किया, फिर मूढ़ी के पाउडर से कोट किया, इसको बना के अगर 10 मिनट फ्रीजर में रखेंगे ना तो बहुत अच्छा से बनेगा, टूटेगा नहीं। पर मैं लाइव वीडियो के लिए अभी बनाऊंगी, इसको फ्रीजर में नहीं रखूंगी। आप इसको बना के ऐसे कोट करके 1 वीक तक आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब आपको खाना हो तब आप इसको बना के खाइए, फ्राई कर लीजिए तब, ये खराब नहीं होता 1 वीक तक। एक मैं इसका फ्लैट टिक्की स्टाइल में भी बना के दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, लाइव वीडियो है, हम लोग आपके सामने तुरंत बनाकर दिखा रहे हैं लेफ्ट ओवर चीज से चीज बॉल्स। ये मैंने ऑयल गर्म करने रखा है, अब इसमें हम चीज बॉल डाल देंगे। एक एक करके ही डालना है, एक साथ में सारे नहीं डालने हैं। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब नेक्स्ट बॉल डालेंगे। अगर दोनों साथ में डालेंगे तो एक दूसरे से वो स्टिक हो जाएंगे। अब मैं दूसरा बॉल डाल दूंगी। देखिए ये वाला चीज बॉल हो गया है तैयार। जो टिक्की की जैसे बनाया था उसको भी डाल दी हूं। गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी देन प्लीज लव लाइक एंड शेयर इट। ये वीडियोस होते कुछ मिनट की है पर हम लोग को बहुत घंटे लग जाते हैं प्रिपेयर करने में, ताकि हम लोग परफेक्टली बता पाए। और ये अनएडिटेड वीडियोस है क्योंकि लाइव वीडियोस है, तो हम लोग आपके सामने बनाकर दिखाते हैं। एक काट के दिखा देते हैं। गाइस देखिए हमारे गर्मा गर्म चीज बॉल्स, तो ये बच्चों को तो श्योरली बहुत पसंद आएंगे, तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारे टिक्की स्टाइल का और बाकी चीज बॉल्स। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी देन डू लव लाइक एंड शेयर इट, और द रश्मीज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।